नमस्कार विज़ुअल आर्ट पर आप लोगों से कुछ डिस्कशन करने जा रहा हूँ अगर कोई सीखना चाहे सीख सकते हैं आज से हम हर दिन थोड़े थोड़े छोटा छोटा टिप्स के माध्यम से क्या होता है विज़ुअल आर्ट वो समझाने का कोशिश करेंगे जैसे कि हम जानते हैं विज़ुअल आर्ट का मुख्य दो माध्यम होता है या दो पार्ट होता है कह सकते हैं एक है ललित कला और दूसरा है हस्तकला ललित कला जिसको हम लोग कहते हैं फाइन आर्ट्स और दूसरा जो है हस्तकला वो ललित कला से ही संबंधित कला है पर उसमें सुंदरता पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है सृजनशीलता कम रहता है ये तो बहुत लंबा तर्क की बात है पर सिंपली हम हमको समझा सकते हैं जो एक जिसे कहते हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक। ललित कला जो है वो हमें हमारे रोजचरिये जीवन में कोई काम में नहीं आता है एक सुंदर सा पेंटिंग एक उत्कृष्ट मूर्ति ललित कला जो है वो हमारा रेगुलर जीवन में कोई काम में नहीं आता है एक सुंदर सा पेंटिंग अगर हम हमारे पास है या हम बनाते हैं तो वो हम दीवार पे लगा के रखते हैं एक बहुत सुंदर मूर्ति है तो उसको हम घर के किसी एक कोने में या कहीं पे बाग, बागीचे में सजा के रखते हैं वो क्या काम में आता है वो हमको प्रेरित करता है कला के प्रति सुंदरता के प्रति जैसे एक शास्त्रीय संगीत हम सुनने जाते हैं वो संगीत ही सुनने जाते हैं उस संगीत के माध्यम से हम प्रचार नहीं करते हैं उस संगीत के माध्यम से हम भजन कीर्तन नहीं करते हैं दूसरे और क्या बताए थे हम जो हस्तकला हस्तकला एक ऐसा है वो ललित कला से ही प्रेरित होकर एक कला वस्तु बनता है जिसमें सूक्ष्म कला तो रहता है सुंदरता रहता है पर उसमें सृजनशीलता का कम रह कमी रहता है वो रिपीटेशन होता है वो एक को देख के हज़ारों बनता है वो हमारे रेगुलर जीवन से जुड़ा हुआ वस्तु में कलात्मक वो टच कलात्मक एक रूप दिया जाता है जैसे मेरे पास एक बैग है बैग में हम कुछ आर्टिस्टिक वर्क कर दिए हमारा एक कुर्ता है हम पहन नहीं पा रहे पहनने को मन नहीं कर रहा है तो उस कुर्ता पे हम कुछ डिज़ाइंस बना दिए या मेरे पास एक बहुत बड़ा हैट है उसमें फ्लावर्स लेके हम कुछ डेकोरेशन कर दिए या हमारा एक टी टेबल है टी टेबल को उसका पाया को या उसके चारों ओर हम कुछ डेकोरेशन कर दिए तो वो टी टेबल मेरा रोज़ काम का चीज़ है और उसमें एक आर्टिस्टिक टच दैट इज़ हस्तकला ये है बेसिक डिफरेंस तो ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि अक्सर हम लोग गलती कर बैठते हैं जो फ़ाइन आर्ट्स एंड क्राफ़्ट में क्या डिफरेंस है फाइन आर्ट्स को भी क्राफ़्ट समझते हैं और क्राफ्ट को भी फ़ाइन आर्ट्स समझ जाते हैं इसका कोई ऐसा लक्ष्मण रेखा नहीं है जिस लक्ष्मण रेखा से दोनों को हम डिवाइड कर सकें ये करते करते देखते देखते सतह कलाकार या कला समालोचक जो है वो डिफाइन कर देते हैं जो ये दैट इज आर्ट एंड दैट इज़ क्राफ्ट हम छोटे छोटे टिप्स के माध्यम से कुछ सिखाने का कोशिश करेंगे या देखाने का कोशिश करेंगे जैसे अब देखिए यहाँ एक छोटे पेपर पे ये पेस्टल का कुछ लाइंस बना रहे हैं अब लाइंस तो बनाते ही हैं हम जानते हैं जो आर्ट फुल्ली डिपेंडेंट ऑन लाइंस लाइन के सहारे ही हम चित्रकला करते हैं और बचपन में हम लोग पढ़े हैं लाइन दो तरह का होता है रेखा दो तरह का होता है एक सरल रेखा दूसरा बकर रेखा हाँ, ब्रोकन लाइन स्ट्रेट लाइन एंड ब्रोकन लाइन हमारा जो काम होता है वो ब्रोकन लाइन से होता है जब वो ब्रोकन लाइन प्रकृति में हम कोई लाइन नहीं देख पाते हैं प्रकृति में कहीं लाइन नहीं है वो वन आफ्टर वन वन आफ्टर वन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए एक कंट्रोल लाइन क्रिएट होता है फील होता है पर कंट्रोल लाइन होता नहीं है प्रगति में पर हम लोग लाइन के सहारे ही इस पे पट को इस आधार को डिवाइड करते हैं और डिवाइड होने के बाद लगता है यहां पेड़ है यहां घर है यहां मनुष्य है यहाँ फ्लावर है या नदी है हम फिर से एक बार कोशिश कर रहे हैं करके दिखाने का जब देखिए ये एक वर्टिकल पेपर है इसके ऊपर हम हब सर्कुलर सेमी सर्कल हब सर्कल कुछ फॉर्म बनाए जब ये फॉर्म का गैदर हो गया समष्टि हो गया एक फॉर्म था तो हाफ सर्कल लग रहा था जब बहुत सारा फॉर्म हो गया तो अब लग रहा है हो सकता है मे बी ये क्लाउड है और मुझे मैं जो बना रहा हूँ मुझे लग रहा है ये कौन सा क्लाउड है ऑटम का क्लाउड है सरद का क्लाउड है जो कॉटन के पहाड़ जैसा दिखता है तो ये कहाँ हुआ पेंटिंग हुआ मेरे दिमाग में और मेरे दिमाग क्या किया मेरे हाथ को ऑर्डर किया जो ऐसे बनाओ और हम वैसे बनाए जब तक मेरा बन के पूरा नहीं हुआ तब तक आपको समझ में नहीं आया जो हम बनाने क्या जा रहे हैं हम तो हाफ सर्कल बना रहे हैं या सेमी सर्कल बना रहे हैं जब ये सेमी सर्कल का समष्टि हम बना दिए एक ज्यादा से, सेमी सर्कल्स बनाएं तो वो लगने लगा वो क्लाउड है कन्फ्यूज़न हो सकता है मे बी एनीथिंग अदर्स पर जैसे हम बोल दिए तो आपका दिमाग वहीं पे चला गया तो ऐसे करके इसको बढ़ाते रहते हैं एक के बाद एक एक के बाद एक दिमाग में आता है और हम उसको बढ़ाते जाते हैं और एक रूप ले लेता है तो ये तो अभी तुरंत कंप्लीट नहीं हो सकता है पर इसको हम कंटिन्यू करेंगे इसको समझाएंगे और बात है हम आज लाइंस की बात कर रहे थे लाइन स्ट्रेट लाइन और ब्रोकन लाइन नेक्स्ट टाइम आप लोग को हम फॉर्म के बारे समझाएंगे नेक्स्ट डे दे। और देखिए अब ये हम एक फॉर्म दिए थे ऑरेंज धीरे धीरे वो एक देवी का रूप में हम परिवर्तित करेंगे वो कल करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे पहला चैप्टर जो बात बताएं फिर से बता दे रहे हैं जो हम लाइन और फॉर्म के बारे डिस्कशन करेंगे और फिर आएंगे जो कैसे हम लोग सोच सकते हैं तीन पार्ट जो बताए थे हम पहले दिमाग में चित्र बनता है और फिर ऑर्डर करता है पेपर को फिर दर्शक के पास पहुंचता है ये तीनों का समन्वय जब होता है तभी वो फाइन आर्ट्स होता है धन्यवाद